नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस सोमवार को देश भर में साइकिल रैली निकालकर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि महंगे पेट्रोल डीजल की मार ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। सोनिया ने कहा कि 2014 के बाद मोदी सरकार ने जनता को कच्चे तेल की गिरती कीमतों का फायदा देने के बजाय पेट्रोल और डीजल पर 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, जिससे सरकार ने 18 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूली की। सोनिया ने कहा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों की सीधी चोट देश के किसान, गरीब, नौकर पेशा लोगों, मध्यम वर्ग और छोटे उद्योगों पर पड़ रही है। तबलीगी जमात मामले में 3,500 विदेशी नागरिकों को ब्लैकलिस्ट किए जाने पर आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि बिना नोटिस जारी किए, बिना आदेश के सीधे कार्रवाई नहीं होती है। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं की मांग है कि उनको सुने बिना उनके पासपोर्ट जब्त करना उनके जीवन के अधिकार के खिलाफ है, इसको असंवैधानिक किया जाए। बता दें, सरकार ने निजामुद्दीन तबलीगी जमात कार्यक्रम के बाद 35 देशों के 3,500 लोगों को ब्लैकलिस्ट कर दिया था, उनकी भारत यात्रा पर रोक लगा दी थी। हैदराबाद में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीज सांस नहीं ले पा रहा था और कथित तौर पर वेंटिलेटर सपोर्ट हटा लिया गया। कुछ देर में ही मरीज की मौत हो गई। इसका सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शख्स कह रहा है कि उसका वेंटिलेटर हटा लिया है, वो सांस नहीं ले पा रहा है, उसका दिल रुक सा गया है और वीडियो के अंत में शख्स सभी को अलविदा कहता है। वीडियो को देखने के बाद लोगों में गुस्सा है। 91 साल के अलगाववादी नेता सैयद अली गिलानी घाटी के कई सारे अलगाववादी विद्रोही राजनीतिक समूहों के गठजोड़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलग हो गए हैं। सोमवार को सोशल मीडिया पर जारी 47 सेकंड के एक ऑडियो क्लिप में गिलानी ने कहा, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अंदर बने हुए हालात के कारण मैं पूरी तरह से इससे अलग होता हूँ। हुर्रियत नेताओं और कार्यकर्ताओं के नाम लिखे विस्तृत पत्र में गिलानी ने इस बात का खंडन किया है कि वे सरकार की सख्त नीति या फिर अपनी खराब सेहत के कारण अलग हो रहे हैं। चीन से तनाव के बीच भारत की तत्काल रक्षा जरूरतों को मुकाम तक पहुंचाने के लिए रूस सहमत हो गया है। दोनों देशों के बीच ये सहमति भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हालिया रूस दौरे में बनी है। दोनों देशों के बीच रक्षा सौदे में AK-203 असॉल्ट राइफल और KA-226 टी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेकर भी बात हुई है। हालांकि S-400 सौदे पर सूत्रों का कहना है कि इसकी डिलीवरी तय वक्त पर 2021 के अंत में शुरू हो जाएगी। भारत चीन तनाव के बीच जम्मू कश्मीर सरकार के 2 आदेशों ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पहले आदेश में कहा गया है कि घाटी में LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स 2 महीने के लिए सिलेंडर स्टॉक कर लें। दूसरे आदेश के मुताबिक कारगिल से सटे गांदरबल में सुरक्षा बलों के लिए स्कूल की इमारतों को खाली कर दिया जाए। उपराज्यपाल ने 23 जून की बैठक के बाद ये आदेश जारी किए थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व CM उमर अब्दुल्ला ने कहा, आदेशों से कश्मीर में दहशत है। कहा जा रहा है कि ऑपरेशन बालाकोट और जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने से पहले भी सरकार की ओर से ऐसे ही आदेश दिए गए थे। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची स्थित पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया। इसमें हमलावर समेत कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है। सभी 4 हमलावर मारे गए हैं। हमले में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का हाथ बताया जा रहा है। भारत में कोरोना के नए मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में देश में 19,459 नए मामले सामने आए हैं और 380 लोगों की मौत हुई है, जिससे देश में कुल संक्रमितों की संख्या 5,48,000 के पार हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 16,000 से ज्यादा है। इसके अलावा 3 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं और एक्टिव केस 2 लाख से अधिक हैं। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक बनाने का फैसला किया है। इसकी जानकारी देते हुए दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगले 2 दिनों के भीतर प्लाज्मा बैंक काम करने लगेगा। कोरोना वायरस का फैलाव बढ़ने की आशंका को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। अब हरियाणा में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीजों का इलाज किया जाएगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि ICMR से मंजूरी के बाद राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में COVID-19 के मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज किया जाएगा। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1 करोड़ को पार कर गई है और मरने वालों का आंकड़ा 5 लाख से अधिक है। वहीं ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी 55 लाख से अधिक हो चुकी है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक कोरोना प्रभावित देश अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 25,48,000 से अधिक है और मरने वालों का आंकड़ा 1,25,000 से ज्यादा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।